गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज की वीडियो जो होने वाली है, मैं उसमें ना हर्षित के साथ प्रैंक करने वाली हूँ। अब आपको पता होगा हर्षित कौन है, जिसके साथ लाइक हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। वो और मैं लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक जिसे कहते हैं ना वाइब वाइब मैच करने वाले दोस्त, वो मैच है। ठीक है, तो मुझे पता है तो अभी उसने क्या किया था लाइव में ना, जब अपनी लाइफ पे था तो उसके बाद बोलती कि मैं क्या कहते हैं ना एक डेट पे जाऊंगा किसी भी गर्ल के साथ, और उसने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था कि मैं सिर्फ वीडियो पर्पस से जाऊंगा और कुछ नहीं। तो शरीफ लड़का अच्छा लगता है, तो उसने ये बात बोली एंड मुझे यही चीज़ दिमाग में आई। मैं बैठी हुई थी कि मैं फ्लाइट पर नहीं गई आज, चला किसी चीज़ से प्रैंक करते हैं, मतलब कि उसे मतलब ऐसे मैं शो करूंगी, मुझे थोड़ा हर्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो देखते हैं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने फोन ले लिया, इसमें मैं नंबर डायल करती हूँ फटाफट। एंड यस, मैं यहाँ पे हर्षित को ना वीडियो कॉल कर रही हूँ, नॉर्मल कॉल कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने उसका नंबर लिख लिया अपने पास, मतलब दूसरे फोन में ये वाला नंबर उसके पास है नहीं। सो सबसे पहले तो ये पूछेगा, मतलब उसको लग सकता है कि मैं उस पर प्रैंक कर रही हूँ, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं तो सभी देखते हैं, वो भी देखता होगा, तो हो सकता है उसको लगे कि भाई ये तो प्रैंक कर रही है। वी डोंट नो, बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर डायल करते हैं, बस उठा ले वो इस टाइम, क्योंकि इस टाइम वो यूजुअली बिजी होता है। लेट्स सी। हेलो, हर्षित राखी बोल रही हूँ। राखी बोल रही हूँ, राखी मेरा ही नंबर है यार, बोलना नहीं था कि मैं दूसरे फोन की बैटरी लो है। आवाज कम करो, पीछे से क्या चल रहा है, आवाज कम करो तुम। यार मैं इसी नंबर पे, यार कह रहा मैं कॉल करूंगा। अरे यार इसे क्या पता है, कैमरा चल रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ, इस पे ना कर ले अब यार, वो इसी पे करे। ओके वेट, आने दो कॉल। अरे हेलो हेलो, यार क्या चला रखा है पीछे? एक मिनट यार, अब आ रही है? हाँ अब आ रही आवाज। तुम तो मुझे कॉल कर रहे थे, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? यार मैं जस्ट अभी खाना खाया था। अच्छा क्या खाया तुमने? फिर मैं बैठा, मैंने कहा अभी करूंगा। अच्छा तुम्हारे आसपास कोई है क्या अभी? हाँ अभी बेटा मैं बाहर हूँ, बताओ। मतलब ऐसी कुछ बात करनी थी। क्या हो गया, बोलो बोलो। ऐसे कुछ नहीं हुआ, अरे मैं ना अभी क्या कहते हैं ऐसे ही वो आयुषी से बात कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी क्या कहते हैं कि ऐसे मतलब अब यही सब कि ये डेट वगैरह पे जाने की बात कर रहा है ये सब, तो मैं उसको बता रही थी क्या कहते हैं वीडियो तो यार वो मेरे साथ भी शूट कर रहा है, तो ऐसे करके तो उसने मुझे क्या कहते हैं बोला कि भाई राखी देख ले, फिर ये मतलब तेरे पे ये चीज़ वो ना हो जाए कि आयुषी कौन यार, मेरी फ्रेंड। अच्छा ओके okay. हाँ तो शी वॉज लाइक कि भाई देख ले, फिर तेरे बोला कि मैं कहा सिर्फ ये सिर्फ वीडियो के चक्कर में है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब उसने बोला कि मतलब तेरे को कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है क्या, कि अगर वो डेट पे किसी और के साथ जाएगा तो? तो मैंने कहा नहीं यार इफेक्ट तो नहीं करी, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा। okay. मतलब मैंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब जाएगा, क्योंकि भाई वो मुझे भी मैं उसके आगे अभी जैसे अगर कॉल वगैरह पे ये बात बोल दूँ कि मैं किसी और के साथ मतलब किसी और के साथ जा रही हूँ, फिर तो मतलब वो कहता चांटा मार दूंगा, है ना, बोलते हो ना। right, right, right. तो बस यही कि मैंने कहा यार वो ऐसे करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और तो उसने कहा भाई तू जब तक अगले को बताएगी नहीं तो उसे मतलब कैसे पता लगेगा ये सब। right. उसने कहा हाँ बता दो तो चाहिए, बट मैंने कहा नहीं यार फिर भी उसको जाने दो, क्योंकि वो उसका काम है, मैं उसको ऐसे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं भी नहीं रुक सकती अगर मेरा कोई काम है, आप कल को यार अगला कहे। बट फिर भी उसने मुझे बोला कि भाई बता दे अगले का चॉइस है, करेगा तो करेगा, तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें बताऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे करोगे तो नहीं, मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने मेरे को दोस्तों से भी ऐसा हो जाता है, और मैंने मेरे अंदर है वो ओवर थिंकिंग वाली, तो मतलब अब मैंने तुम्हें भाई दोस्त बोला है फिर जो भी है, तो मतलब मेरे को फिर वो अच्छी सही नहीं लगेगी। हाँ ठीक, मैंने कहा था ना मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, और अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो मुझे मतलब फिर वो ओवर एक्सप्लेनेशन वाला लड़का चाहिए। तुम ओके ओके क्यों बोल रहे हो, कुछ और बोलो। अरे बस कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मतलब मैंने ठीक है मैंने बोला था, बट मेरा कुछ अभी ऐसा मैंने मतलब इतना भी अभी प्लान नहीं किया कि ऐसा कुछ करने वाला था, मैं तो बस जस्ट नॉर्मली बोल दिया था वहां पे, नहीं करूंगा अभी ऐसा कुछ, मेरे पास तो खुद अभी इतना ऐसा टाइम नहीं कि भाई हां मैं नहीं। अब तुम ये नहीं कह सकते, तुमने मुझे ये बात मतलब तुमने लाइव में भी ये बात कह दी थी कि हाँ मैं करूंगा, और तुम मना कर रहे हो तो ये बात अलग है, तुम फिर वो मेरी बात सुनने का मना। अरे मतलब
तुम मतलब कह चुके थे ना कि ठीक है आ जाना, मतलब बट तुम्हारा मतलब एक तरीके से प्लान बन चुका। अच्छा एक नॉर्मल नॉर्मल, बट तुम्हें पता है मैं रो रही हूँ बात कहते कहते तुम्हें कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पागल हो तुम? अबे बात पता है क्या, देखो मैं सच बताऊं तो मैं सीरियसली मतलब इस टाइप के लोगों को टेंशन पाना ही नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करके। तो तुम मेरे को इतने अच्छे से जानी होगी इतने दिन में कि मैं कितना फ्री रहने वाला इंसान हूँ, मुझे टेंशन थोड़ी सी पसंद नहीं। जो मेरा मन करता है वो होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता मैं क्लियर बोल देता हूँ। एनीवे वही तो मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, रिस्पेक्ट करते हो सबकी, बस ये तो मजे मजे की बात है। हाँ वो यार तुम्हारी यही तो चीज़ अच्छी है कि तुमने लाइव में भी बहुत सीधा बोला कि मैं सिर्फ एक वीडियो के पर्पज से जा रहा हूँ, मैं किसी और पर्पज से नहीं जा रहा। क्योंकि यूजुअल लड़के होते हैं कि गलत गलत उस पर वो करते हैं, बट तुम्हारा तो मुझे बस पता है और तुम अच्छे हो उस चीज़ को लेके, कि तुम सीधा मुद्दा बोल रहे हो। तो मैं तो मतलब मेरा कुछ ऐसा होगा भी, हाँ तो खैर कुछ ऐसा प्लान है नहीं मेरा अभी। अब तो सिर्फ सोच है कि जब होगा तो शादी का टाइम होगा, अब तो देखो अपने काम पे फोकस करना है। और हुआ अब जब होगा ना मैं क्लियरली सबको बोलूंगा, मैं उस टाइप का हो ही नहीं कि आज इससे बात कर रहा हूँ कल उससे बात कर रहा हूँ। बट तुम्हें सुनकर थोड़ा शॉक नहीं लगा कि मैं तुम्हें ऐसे कह रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा? नहीं ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं फिर भी तुम्हें लगा नहीं कुछ कि मैं ऐसे बोल रही हूँ तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल करके? वो भी नंबर दूसरा क्यों है, किसका नंबर है? ये मेरा ही नंबर है, बट ये फोन उधर लगा हुआ था थोड़ा चार्जिंग पे तो इसलिए। अच्छा इट्स ओके। बताओ तुम्हें लगा नहीं है? मतलब किस वे में बोल रही हूँ यार, मैंने अब ऐसे बोल दिया अभी तक? कल तक मैं सिर्फ फ्रेंड फ्रेंड कर रही थी, आज मैं आगे तुम्हें बात कह रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है नहीं लगेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो बोल देता हूँ ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, बट मैं सुनती रहा हूँ तुम तो सुन रहे हो। कोई बात नहीं ओके, वो मेरा नेचर है। तो मतलब मेरा नेचर खराब है? नहीं तुम्हारा, मैं तो बुरा बोला क्या? नहीं कभी नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बोलता यार ऐसा नहीं है। ठीक है सुनती हूँ, मैं इतना मतलब चीज को इतना सोचा भी नहीं था, मैंने ये वीडियो वीडियो बोल दिया था मैंने कि हाँ ठीक है। अच्छा मेरे सामने ना कैमरा रखा है तो ये सब रिकॉर्डेड है ना, मैं क्या बोलूं तुमको यार। नहीं मेरा ही नंबर है ये तो सच है, ये मेरा ही नंबर है। Okay. ये मेरा ही नंबर है, मैंने बोला है तो मेरे पास दो फोन है, बट ये सब रिकॉर्डेड है। एंड आई वाज थिंकिंग यार इसको मतलब नो स्क्रिप्टेड प्रैंक, सीधा मुंह पे प्रैंक। तो मैंने भी अभी वीडियो में ये चीज बोल दी, मैं कहा आई वांट टू सी यार, बट ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्लियर रिएक्शन, ये नेचुरल रिएक्शन आया। और ऊपर प्रतीक भैया का मैसेज भी आ रहा है, अभी जो मैंने वीडियो नहीं डाली पसंदीदा औरत वाली, तो उस पर आया कहना क्या चाहती हो गाइस। अच्छा आप कैमरा में वीडियो पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस कुछ नहीं कहना चाहता, वो कहता है लड़की एक नंबर की पागल है और बिल्कुल बेवकूफ है, इसने हाँ। मेरे को बताया जी बट मैं हूं ना अच्छी हूं ना मैं, अब इसने मुझे वीडियो में बहुत बुरा बोला है। बहुत अच्छी हो, अब ये कह रहा होगा अब तू तैयार हो जा बेटा, अब तू रुक अब तू रुक ये मुझे धक्के में डाल देगा। ठीक है गाइस, सो वी आर डन विद फर्स्ट प्रैंक। ठीक है।